आज हमारे पास है होंडा सीवी 300R, एक बजटेड स्पोर्ट्स बाइक। आज इस बाइक के बारे में सारी डिटेल्स बताएंगे, इसकी पावर के बारे में बताएंगे, इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ ऑन रोड प्राइस क्या है, सारे डिटेल्स जानकारी आज इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वेलकम टू लॉर्ड ऑफ रोड्स। लॉर्ड ऑफ रोड्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे पास है होंडा सीवी 300R। तो चलिए शुरू करते हैं इस बाइक की लुक्स के साथ। देखिए, एक नेकेड कैटेगरी का स्पोर्ट्स बाइक है, तो लुक्स के बारे में पहले बताते हैं, फिर इसका स्पेसिफिकेशन बताते हैं और लास्ट में इसका ऑन रोड प्राइस और कहाँ पे ये बाइक अभी अवेलेबल है, सारे डिटेल्स आपको शेयर करेंगे। तो अभी मेरे पास है होंडा सीवी 300R की चाबी। तो देख रहे हैं, यहाँ पे एक वेब की मिल जाती है आपको, और यहाँ से बाइक को कर दिया ऑन। और देखिए, यहाँ पे पूरा एलईडी सेटअप आपको देखने को मिलता है, जो हेडलैम्प है वो भी एलईडी है, और साइड इंडिकेटर्स भी एलईडी सेटअप में इस बाइक में ऑफर की जाती है। तो लाइट के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। वैसे ये लाइट आपको हाईनेस और 350 सेगमेंट में और दूसरे बाइक में भी सेम लाइट सेटअप आपको देखने को मिल जाता है। और रियर में देखिए, यहाँ पे एक ब्राइट टेल लैम्प देखने को मिल जाता है, और साइड इंडिकेटर जैसे आपको बताया, काफ़ी बढ़िया और प्रीमियम क्वालिटी का इंडिकेटर इस बाइक में आपको ऑफर की जाती है। तो चलिए अभी फ्रंट प्रोफाइल से स्टार्ट करते हैं। फ्रंट में देखिए आपको 110x70 का टायर देखने को मिलता है, और रियर में आपको 150x60 का टायर मिलता है। तो दोनों टायर जो है 17 इंच का रेडियल टायर ग्रिप में आता है, जो काफ़ी बढ़िया है, एक प्रीमियम क्वालिटी की टायर इसमें प्रोवाइड की जाती है। और अगर सेफ्टी प्रोफाइल की बात करें तो डुअल चैनल ABS विद डुअल डिस्क यहाँ पे ऑफर की जाती है, और ब्रेकिंग के साथ साथ यहाँ पे बढ़िया लुक के साथ एक USD सस्पेंशन, जो डेफिनेटली इस बाइक में बहुत ही ज़रूरी है। ये एक स्पीड मशीन है, तो उस हिसाब से सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो रेयर में आपको मोनोशॉक ऑफर की जाती है, जो 7-स्टेप एडजस्टेबल है। इस बाइक की राइट प्रोफाइल से देखिए, यहाँ पे CB300R का लोगो, यहाँ पे होंडा, और कलर कॉम्बिनेशन देखिए काफ़ी बढ़िया कलर। वैसे अभी फिलहाल एक ही कलर यहाँ पे अवेलेबल है, रेड के साथ ब्लैक। रेड इज़ वन ऑफ द फेवरेट कलर ऑफ माइंड। तो आपको रेड कलर कैसा लगता है कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। और साथ ही साथ जो एग्जॉस्ट है देखिए काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पे क्रोम फिनिश का एग्जॉस्ट दी गई है, और एग्जॉस्ट का लुक भी काफ़ी बढ़िया और प्रीमियम लगेगा आपको इस बाइक में। और रियर प्रोफाइल में देखिए, यहाँ पे नंबर प्लेट लगती है, और यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्टर दिया हुआ है। बाकी लाइट सेटअप आपको ऑलरेडी बता ही दिया, तो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का यहाँ पे फाइबर से बना हुआ है बैक साइड। और यहाँ पे देखिए कोई एक्स्ट्रा ग्रैब रील आपको देखने को नहीं मिलता है, जो ग्रैब रील है इतना ही है। तो बाइक का वेट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप इसको भी ग्रैब करके बाइक को ईजिली हैंडल कर सकते हो। और लेफ्ट साइड से देखिए, ये बाइक एक नेकेड बाइक है, उस हिसाब से काफ़ी खूबसूरत इसे बाइक को डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे आपको 6-स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिलता है, 1 डाउन 5 अप। तो गियर और स्पीड के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। और पीछे देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी एक कंपनी फिटेड शाड़ी गार्ड दिया हुआ है, जो भी काफ़ी बेहतरीन एक लुक के साथ इस बाइक में प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे एक फुट ब्रेक जो है एल्यूमिनियम फुट ब्रेक, नॉर्मली हम CB350 में जो देखते थे वही सेम सेटअप इस बाइक में ऑफर की जाती है, पर इसका जो लुक है, इसका जो डायमेंशन है, काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी अलग है। तो चलिए साथ साथ एक बार बाइक को करते हैं ऑन, और आपको मीटर कंसोल दिखाते हैं। यहाँ पे छोटा सा एक TFT डिस्प्ले के साथ मीटर कंसोल मिल जाती है। यहाँ पे फ्यूल गेज, यहाँ पे टैकोमीटर, यहाँ पे स्पीडोमीटर, और राइट साइड में देखिए यहाँ पे गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी यहाँ पे दिख जाती है। और यहाँ से अगर राइट साइड की बात करें, तो यहाँ पे देखिए लुकिंग ग्लास जो है ये ऐसे स्क्वायर शेप में है, और ये जो है काफ़ी प्रीमियम लगा। यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट किल स्विच, यहाँ पे हैजन बटन भी आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे क्लिप ऑन हैंडल बार होता तो ज़्यादा अच्छा था, वैसे नॉर्मल हैंडल बार ऑफर की जाती है। और लेफ्ट साइड में देखिए, यहाँ पे साइड इंडिकेटर एंड हॉर्न बटन, और आगे पल्स स्विच यहाँ पे दी गई है। ऊपर से बाइक को देखिए, तो यहाँ पे एक छोटा सा फ्यूल टैंक, मतलब 10 लीटर के आसपास फ्यूल टैंक आपको ऑफर की जाती है। तो फ्यूल टैंक का देखिए क्वालिटी भी काफ़ी प्रीमियम है। यहाँ पे डुअल टोन कलर का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ये E2 कंपेटेबल है, E2 का बैजिंग भी मिल जाती है। और सीट देखिए, सीट काफ़ी वाइड है, पिलियन सीट भी काफ़ी अच्छा है। ये देख के थोड़ा छोटा लगेगा, पर पिलियन भी काफ़ी कंफर्टेबली इस बाइक में राइड कर सकती है। यहाँ पे जैसे बोला था, ग्रैब रील जो है बहुत ही छोटा सा ग्रैब रील है, पहले तो ढूंढना मुश्किल हो रहा था, पर आप आराम से इसको पकड़ के बाइक को हैंडल कर सकते हो। वैसे बहुत ज़्यादा भारी बाइक नहीं है, तो उस हिसाब से यहाँ से पकड़ के आप इजीली बाइक को हैंडल कर सकते हो। तो अभी इस बाइक की मेन पार्ट, इस बाइक की इंजन, तो आपको बता दें, इसमें आपको 286cc लिक्विड कूल इंजन ऑफर की जाती है, जहाँ पे 31 BHP पावर और 27.5 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करती है। तो अभी डेफिनेटली इस बाइक में एक बार बैठना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, काफ़ी मतलब एक बहुत लंबा चौड़ा बाइक नहीं है, काफ़ी शॉर्ट बाइक है, और
पावर के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। जैसे आपको इंजन के बारे में बताएं तो आपको बता दें इसका जो सीट हाइट है 800 mm का सीट हाइट है, जो काफ़ी कंफर्टेबली आप सिटी में भी राइड करो या ऑफ रोडिंग करो वो भी कंफर्टेबली इसमें कर सकते हो। और इसका जो कार्ब वेट है 146 kg ओनली है, बहुत लाइट वेट बाइक है। पावर के हिसाब से जो वेट रेशियो है बहुत तेज ये बाइक आपको लेके जाने वाले हैं। और यहाँ पे एक वाइड हैंडल बार मिल जाती है और फ्यूल टैंक जो है इसका 9.7 लीटर का लगभग 10 लीटर का फ्यूल टैंक आपको मिल जाती है, जो काफ़ी छोटा फ्यूल टैंक है। और अगर स्टॉप स्पीड की बात करें जो इस बाइक की मतलब यूएसपी है वो है 150 किलोमीटर पर आवर तक ये बाइक टॉप स्पीड निकल के दे सकते हैं, जो 300cc के बाइक के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। और होगा भी क्यों नहीं, देखिए इसका जो पावर है इंजन के हिसाब से काफ़ी बढ़िया पावर है। और उसके साथ साथ सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है इस बाइक बहुत लाइट वेट बाइक है, उस हिसाब से हल्का थ्रॉटल से ये बाइक बहुत तेज़ी से स्पीड पकड़ सकती है। और स्पीड्स के साथ साथ आप डेफिनेटली अगर ये बाइक लेके रोज आप राइड करना चाहते हो तो माइलेज डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाती है। तो ऐसे बाइक से आप 30 से 35 तक माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, बाकी डेफिनेटली आपके राइडिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करेगा आप कैसे इस बाइक को राइड करोगे। तो ओवरऑल 30 से 35 किलोमीटर माइलेज आपको इस बाइक से मिल जाती है। तो ऑन रोड प्राइस और फिनेंस स्कीम बताने से पहले आपको बता दें मैं हूँ अभी सिलीगुड़ी में होंडा बिगुइंस के शोरूम में। यहाँ पे ये बाइक डेफिनेटली अवेलेबल है, कलर्स भी देख रहे हैं काफ़ी बढ़िया कलर है। ये बाइक छोड़ के सारे और भी बिगुइंस के जितने भी बाइक्स आप पसंद है सारे सब कलर सब वेरिएंट इस शोरूम में अवेलेबल है, आप यहाँ पे आके बाइक चेक कर सकते हो। तो इस होंडा CB300R की अभी ऑन रोड प्राइस है 2,89,000। बाकी अगर आप EMI में ये बाइक खरीदना चाहते हो तो मिनिमम 60,000 डाउन पेमेंट करने से आपको ये बाइक मिल सकती है। बाकी डिटेल्स जानकारी के लिए आप शोरूम में आइए, बाइक देखिए। इसका टेस्ट राइड व्हीकल्स तो अभी अवेलेबल नहीं है, बाकी बाइक में आके बैठ के भी देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया ये बाइक है। तो वीडियो अभी यहाँ तक ख़त्म नहीं हुआ, एक बार इस बाइक के एग्जॉस्ट नोट तो डेफिनेटली आपको सुनाएंगे। तो एक बार फिट बैठ जाते हैं बाइक में, तो बाइक को कर दिया ऑन, अभी सुनाएंगे इस बाइक का एग्जैक्ट एग्जॉस्ट नोट। काफ़ी पावरफुल एग्जॉस्ट नोट है, जैसे देखिए ये बाइक स्पेशली बनाई गई है कि आप शॉर्ट डिस्टेंस में तेजी से जा सको, तो उस हिसाब से काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस आपको डेफिनेटली इस बाइक से मिल सकती है। तो फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपको ये CB300R कैसा लगा कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और भी कोई क्वेरीज कोई जानकारी चाहिए वो भी कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में सारे डाउट्स आपका क्लियर कर देंगे। तो बहुत ही जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट कोई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सेफ राइड सेव लाइफ।